नेपाल में हुई बारिश के बाद बायसी में हुई तबाही का बायसी विधायक सैयद रुकमुद्दीन ने जायजा लिया। AIMIM के विधायक ने अपने विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया और वहां हुए फसल का नुकसान का आकलन किया। विधायक रुकमुद्दीन ने कहा कि ठोस कटाव रोधक कार्य इस बार किया जाएगा ताकि नदी का कटाव रोका जा सके। बायसी से सिटी हलचल के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। अभी जो अतिवृष्टि हुआ है क्षेत्र में जी, इससे बहुत ज़्यादा तबाही हुई है जी। नदी कटान का जो मामला वो निरंतर चल रहा है। दास नदी से यहाँ बहुत निरंतर कई घर कट गया है जी। और कटाव बहुत तेज़ी में चल रहा है। इससे पूर्व भी एंटी इरोजन का काम हुआ था जी, जो अनसक्सेस रहा। तो इस बार पायदार काम कैसा हो इसके निरीक्षण के लिए आए थे और यहाँ की तबाही को, यहाँ के किसानों को जो भी सरकार ने निर्णय लिया कैसे मुआवजा मिले इस संदर्भ में लोग आए थे। पूर्णिया जिस जिले को लोग मेडिकल हब, एजुकेशन हब मानने लगे, वहीं अब पूर्णिया का तीसरा सबसे बड़ा कदम फैशन के क्षेत्र में उभर कर सामने आया है, जिसको लेकर पूरे राज्य में इसकी बड़े जोरों से चर्चा है। इसी क्रम में पूर्णिया की हृदय स्थली भट्टा बाजार में ग्राहकों को बेहतरीन सुविधा देने के लिए द बिग शॉप ने अपना शानदार शोरूम एक ही छत के नीचे आपके मनोनुकूल, आपके बजट के हिसाब से हर उम्र वर्ग के लोगों के लिए सभी ब्रांड के आकर्षक फैशनेबल परिधान के साथ साथ दुल्हे के लिए मान्यवर का एक्सक्लूसिव शोरूम भी उपलब्ध है। क्योंकि द बिग शॉप में नन्हे बच्चों से लेकर युवाओं, बुजुर्ग महिला पुरुषों के लिए एक से बढ़कर एक सभी ब्रांड के परिधान उपलब्ध हैं, और वो भी आपके बजट के अनुसार। इसलिए एक बार अपने मनोनुकूल, अपने बजट के हिसाब से पूरे परिवार के लिए द बिग शॉप में कपड़ों की खरीदारी करके देखें, क्योंकि फैशन की दुनिया में आगे बढ़ रहे पूर्णिया को नित नए रंग रूपों में निखार रहा है द बिग शॉप शोरूम, कालीबाड़ी रोड, डिलक्स होटल के सामने, भट्टा बाजार, पूर्णिया। फोन 06454242526।